मानदेय की मांग को लेकर अनुदेशक शिक्षक संघ के सदस्यों ने बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में हाथों पर काली पट्टी बांधकर सर मुड़वाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अनुदेशक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। अनुदेशक शिक्षक संघ का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें लगभग 17,000 मानदेय देने का वादा किया था। वादा के 17 महीना बीत गए लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर मानदेय शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर मानदेय शिक्षक आगामी 10 सितंबर को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन के बाद अनुदेशक शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय से एक जुलूस निकाला। जुलूस शास्त्री चौराहा पहुंचा, जहां शिक्षकों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम करने का काम किया। कुछ समय तक सड़क जाम करने के पश्चात अनुदेशक शिक्षक संघ के सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अनुदेशक शिक्षिका नीलिमा ने कहा, छोटे भाई की तरह से या बड़े भाई क्या करते हैं देखते होंगे, एक दिन भी जब है कभी चिल्लाने से दौड़ने भागने से होना है। आप लोग इतना जरूर कर दीजिए, अंकल से गेट का जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी हो। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, इतने मजदूर हैं कि सरकार अपने वादे से पूर्णतः मुकर गई है। सरकार हमें 17,000 मानदेय देने का वादा किया था, 17 महीनों से वो लटका पड़ा हुआ है, लेकिन आज वो सिर्फ 1330 रुपया हमें बढ़ाकर हमारे मुंह पे फेंका गया है। और हमें बताना चाहते हैं वो 1330 रुपया अपने पास रखे, जो उसको करना अपना साबुन तेल सर्फ खरीदे, हमें जरूरत नहीं है 1330 रुपया, हमें 17,000 मानदेय चाहिए। आपके क्या करने वाली है आगे, आप लोग क्या करने वाले? 8,417 में खुश है वो, अपने हमारी तरफ से अपने लिए गिफ्ट का मजल नहीं चाहिए 1330 रुपया। सितंबर को क्या करेंगे वहाँ सर? वहाँ भी हम बैठेंगे, अपनी बात को सुनाएंगे उनको, कोशिश करेंगे सर किसी भी माध्यम से बस वो सुन सके।